Oh.
ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्य साईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणा पूर्णा लोकमंगल सिद्धये चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिं सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान् दिगंतर विशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक
उपतिष्ठति चाश्रमे स्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वंगना करगृहीत सुपुष्पहारा स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वा श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञान विज्ञान शोभिता मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं पतिवासाय मंगलं सत्यसाईने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधु वर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई परतिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई परतिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्ताय शिरडी वासिने नमः। ओम श्री साई जोडी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्त वत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेद शक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाय वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तथपुत्तपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागत त्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आतत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनंतमुतकर्त्रिणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बांधवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमंदाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगींद्रवंदिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः।
ओम श्री साई सुलभ प्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं, सुखासन पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो, दोनों हाथ घुटनों पर चिन मुद्रा में रखें, आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सो हम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सो हम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। सो हम अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एक टक ज्योति को देखते रहें, फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया,
क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है, मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद शाकाहारी सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें
सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मन मुटाव है या जिनका हमसे मन मुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर, अमर, अविनाशी, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम, सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहे, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं सभी के हृदयवासी भगवान को मेरा प्रेम भरा साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन हरियाणा एवं चंडीगढ़ के संयुक्त प्रयास से स्वामी के साथ मेरे दिव्य अनुभव की कड़ी में आज एक बार फिर हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं श्री जयगोपाल शर्मा जी। आदरणीय श्री जयगोपाल शर्मा जी 1972 में स्वामी जी के संपर्क में आए
और संगठन में इन्होंने हरियाणा स्टेट भजन कन्वीनर के रूप में काम किया। इसके अलावा साई सेवा की गतिविधियों में भी अपना योगदान दिया। अब मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे अपने दिव्य अनुभव बताकर हमें कृतार्थ करें। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्साई बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आपके हृदय में विराजमान साई राम, उनको कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, भक्तों, बहनों, आज मैं आपको पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हों तो भगवान आने वाले जन्म में कैसे दर्शन देते हैं उसके बारे में एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने पूर्व जन्म में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो किस रंग में किस रूप में दर्शन देते हैं ये आपको ही महसूस करना पड़ेगा। मैं बाबा का जन्मदिन तो 23 नवंबर 1926 में हुआ और मैं 1933 में पैदा हुआ। जब मैं 10-12 साल का था मेरे पिताजी लाहौर में हुआ करते थे, वहाँ डिफेंस में थे। बहुत भक्तिभाव था उनमें। मेरी माताजी भी बहुत सवेरे सवेरे उठ के भक्ति करने, माला जपना और इस तरह के सारे कार्यक्रम करने, सेवा करने। किसी ने कोई आ गया अगर अपने घर के दरवाजे पर, अगर उसने कुछ मांगा है तो फौरन उसकी मांग पूरी करनी, खाना है खाना खिलाना। समय चलता गया, मैं 12 साल का ही था लगभग, मेरा जहाँ तक ख्याल है 12-13 साल का होऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे घर में कोई अलग जगा के कहने लगा कि माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। कोई महात्मा जी थे, मुझे खाना खिलाओ। तो माता जी का हमारा ये एक बड़ा ऐसा होता था कि अगर कोई किसी ने आके ऐसे कहा है, किसी भी भगत ने या किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो भूखा है, तो वो फौरन जाके अंदर से, उस ज़माने का तो जैसा भी हिसाब था, फटाफट दो परौंठे बनाने, परौंठे बना के उनको भेंट कर देना। ये सिलसिला चलता रहता था, मैंने कई बार ही देखा अपनी माता को। तो एक दफ़ा एक ऐसे महात्मा आए, उन्होंने कहा माता मुझे भूख लगी है, कोई रोटी या कुछ है तो दो। तो मेरी माता जी अपने कमरे से बाहर आई, ड्योढ़ी में आई, तो उसको देखा, उसको कहा कि आप बैठिए। उसको अपना आसन दिया, वो बैठ गया। अंदर फटाफट गई, जाके 2-3 परौठे बनाए और वो महात्मा जी को झोली में डाल दिए और उनको कहा कि खा लें आप। उन्होंने खा लिए परौठे धीरे धीरे करके, पानी भी दिया उनको सब कुछ। तो जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, मेरी माता को कहा कि माता जी आप हाथ आगे करिए। तो मेरी माँ ने अपना हाथ ऐसे आगे किया, उन्होंने कुछ ज़मीन से कुछ मिट्टी सी उठाई और उनके हाथ में रख दी और कहा कि मुट्ठी बंद कर लो। मुट्ठी बंद कर ली उसने, अंदर जाके देखना तो वो हमारी माता जी थी, वैसे मुट्ठी बंद किए 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 अंदर आई। जब वो अपने वो जहाँ हमारा मंदिर था, मंदिर का एक छोटा सा कमरा बना रखा था, वहाँ आई तो मुट्ठी खोली तो आश्चर्य हो गई। उसके हाथ में शालिग्राम जी की बिल्कुल साक्षात पिंडी जो थी, वो ब्लैक स्टोन की जैसे होती है, उसके हाथ में थी। वो एकदम आश्चर्यजनक होके बाहर की तरफ भागी
भागी, देखा इधर उधर गली में देखा कि सामने जा रहे होंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आए दोबारा। अब वो जो सालिग्राम जी की पिंडी थी, जिसको हम मूर्ति के रूप में भी कह सकते हैं, सालिग्राम जी उन्होंने अपने मंदिर में रख दिया। और वहाँ जो हमारे मोहल्ले में एक मंदिर था, काफ़ी बड़ा मंदिर था, वहाँ के पुजारी से पूछा कि ये ऐसे हमें सालिग्राम जी की मूर्ति प्राप्त हुई है तो इसकी पूजा कैसे करनी है। उन्होंने कहा कि आप एक सिंहासन बनाइए, तो चांदी का सिंहासन बन गया। उसमें कहते हैं कि भी एक छोटा सा बिस्तर बनाइए रात को सुलाने के लिए, सवेरे उनकी पूजा करनी है, और तिलक लगाना है और तुलसी दल जो है उनके ऊपर रखने हैं, क्योंकि ये जो सालिग्राम जो है ये विष्णु जी की, भगवान विष्णु जी का प्रतीक समझा जाता है। तो वो अपना उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो क्या होता था कि रात को जब वो पूजा ऐसे करके और तुलसी दल रख के उनका बिस्तर बना बनो के वहाँ से मंदिर बंद करके चले जाती थी, तो सवेरे जो तुलसी दल होता था वो पिंडी के नीचे आ जाता था। जैसे उन्होंने ना पलसेटा मार के ना अपना रात को सोए हैं, कभी इधर सोए हैं कभी इधर सोए हैं, तो बड़ा आश्चर्यजनक चलता रहा। और बड़ा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माता जी ने वो मंदिर में सालिग्राम जी की मूर्ति के ऊपर एक फूल रखा उन्होंने, जो वो मंदिर से लेके आई थी, सफ़ेद सा फूल था। फूल रखते ही वो 2 सेकंड के अंदर उड़ के ऐसे जाके आगे गिरा। तो मेरी माता जी को ऐसे लगा कि शायद मैंने मंदिर का दरवाज़ा बंद किया कि उसकी हवा से उड़ गया होगा। तो फिर दरवाज़ा खोल के, खुला रहने दिया दरवाज़ा, फिर दोबारा वो फूल रखा। जैसे मेरा जहाँ तक मैं छोटा ही था, मुझे ऐसे लगता है वो चमेली का फूल था या कैसे वाइट फ्लावर था। वो फिर उड़ के चले गया। इतनी देर में मैं जो है ना बाहर से खेलता खेलता वहाँ माता जी के पास पहुँचा, तो देखा वो बहुत घबराई हुई सी थी। मैंने कहा माता जी क्या हुआ है? कहती बेटा ये ऐसे मैंने फूल रखा था, ये फूल उड़ गया सालिग्राम जी की मूर्ति से। मैंने कहा आपने ठीक नहीं रखा होगा, लिया मेरे को दो मैं रखता हूँ। तो मैंने वो फूल लिया और फिर मैंने ज़ोर से ना सालिग्राम जी की मूर्ति के ऊपर ऐसे दबा के रख दिया। तो मेरे सामने ही वो 1 2 3 ऐसे एकदम वो फूल फिर उड़ गया। तो खैर जनाब हम घबराए, मत्था मुत्था टेका। तो बाद में जो इसकी क्लैरिफिकेशन जो पुजारी जी ने ये करी कि जो फूल शिव जी की पूजा करते हुए आप मंदिर में चढ़ाते हैं, वो फूल सालिग्राम जी को नहीं चढ़ाया जाता, वो अंगीकार नहीं करते, ये उन्होंने उसका दिया। कहने का भाव ये है कि मैं इतनी छोटी उम्र में था, तो कहते हैं ना पूर्व जन्म में अगर आपने हिरण को ही भजते रहे हो तो हिरण के रूप में भगवान नज़र आ जाते हैं, फूल ही चढ़ाते रहते हो, फूल की तरफ देख रहते हो तो वो फूल के रूप में आपको नज़र आ जाती है। ये पिंडी जो है सालिग्राम जी की, ये अभी भी हमारे पास है। मैं तो सर्विस में कोई 12-13 साल वो इंडस्ट्री में रहा, बाहर फील्ड में रहा, तो जो मेरे छोटे भाई हैं उनके पास है, वो नियमित पूजा करते हैं। तो ये आपको बतलाने वाली बात इसमें ये थी कि शायद मैंने कोई पूर्व जन्म के कर्म किए थे तो भगवान का साक्षात्कार हुआ मुझे फूल के रूप में। अब हमारे माता पिता जी भगत तो थे ही बहुत, सवेरे उठना उन्होंने 3-4 बजे उठ के अपना माला जपनी और जो भी है घंटी बजानी, ग्रंथ पढ़ने। माता जी वाणी तो दिन में भी वो जो है भागवत की उसकी कथा किया करते थे, जो गली की लेडीज़ को बुला लिया करते थे। तो चलता रहा, समय के साथ वो दोनों जने इस संसार से चले गए। तो मेरे पिताजी की
एक पूजा की धोती थी जो मेरे हाथ में आई, और उन दोनों ने अपने हाथों से जो रुई की जोते बनाई हुई होती हैं वो उनके मंदिर में पड़ी हुई थी। तो मैंने ये फैसला किया अपने मन में कि ये जोते जो है बाबा के वहाँ पुट्टपर्ती जा के गणेश मंदिर पे जलाऊंगा उनके नाम से, और वो जो पूजा की धोती थी वो भी वहाँ कहीं बाबा के आश्रम में किसी की ज़रूरत होगी तो पूरी कर दूँगा। तो चल पड़े बाबा के दर्शन करने के लिए, पुट्टपर्ती का मौका मिला, सब सामान सामान इकट्ठा किया, ये दोनों चीज़ें, धोती तो मैंने अपने होल्ड ऑल में बिस्तर में डाल ली, जोते जो थी मैंने वो अपने बैग में रखी। धर्मावरम से जब अपना सामान वगैरह बस पे रखा और पुट्टपर्ती पहुँचे तो देखा कि मेरा जो होल्ड ऑल बिस्तर था वो वहाँ ऊपर था नहीं, तो मैं बहुत घबराया, ड्राइवर को कहा भाई मेरा बिस्तर कहाँ है। उसने कहा भगत जी आप चिंता ना करें, क्योंकि वो धर्मावरम से पुट्टपर्ती में बहुत सारे टर्न आते हैं ऐसे, वो आपका बिस्तर गिर गया होगा वो दूसरी बस में आ जाएगा पिछली वाली बस में। तो वो यही ठीक ही हुआ, वो दूसरी बस में मेरा जो बिस्तर जो था होल्ड ऑल जिसको कहते हैं वो पट्टियाँ वो लगी होती हैं वो सारा पहुँच गया। तो मैंने उसको देखने के लिए कि भी मेरा सामान पूरा है या नहीं है, तो जैसे मैंने वो खोला मेरा सारा सामान पूरा था, सिर्फ मेरी वो पिताजी की जो पूजा की धोती थी वो वहाँ उसमें नहीं थी, वो बाबा ने अंगीकार कर ली, किसको भी देनी थी दे दी। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ये भगवान, जैसे आप भगवान के प्रति आप अपनी कोई श्रद्धा व्यक्त करते हैं या कुछ सोचते हैं वो एकदम सुन लेते हैं और वो उसको पूरा करते हैं, एक तो ये हो गया। एक अब मैं आपको वो बतलाता हूँ कि भगवान की ओमनी प्रेजेंट का जो मेरे साथ हुआ, मैं मेरी बेटी मेरा बेटा और एक और हमारे सज्जन थे वो हम पुट्टपर्ती गए सेवा के दिनों में, तो वहाँ चलते चलते 5-8 दिन के बाद मैंने अपने बेटे को कहा कि भगवान बाबा के लिए कोई चिट्ठी लिख दो, तो वो कहा हाँ 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 डैडी लिखेंगे, कल लिखेंगे पिताजी कल लिखेंगे। तो उन्होंने तो चिट्ठी लिखी नहीं, मैं एक दिन बैठा हुआ था वही कमरे में, मेरे हाथ में कागज भी नहीं था, एक कार्डबोर्ड मेरे हाथ में आया, उसमें मैंने उर्दू में ही लिख दिया, उर्दू में लिखने में मुझे महारत थी, लिख के मैंने लिफाफे में वो बंद कर दिया, बंद करके उसको ऐसे जैसे ना गोंद लगा दी, लगा दी कि चलो आज शाम को जब भजन पे जाएंगे तो वहाँ पे समाधि पे मत्था टेकने के बाद ये वहाँ पे एक छोटी सी टोकरी होती है वहाँ रख देंगे। लेकिन जब मैं वहाँ मंदिर पहुँचा तो मुझे ध्यान आया, ओ भाई जेजी शर्मा तुमने अपना नाम तो लिखा ही नहीं उस पर, तो बाबा को कैसे पता लगेगा कि ये तुम्हारी चिट्ठी है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं वो अंतर्यामी है जान जाएंगे। तो भजन के बाद वो जो लफाफा था थोड़ा जिसमें मैंने अपना वो कार्डबोर्ड की चिट्ठी लिखी थी वो मैंने रख दी, और जहाँ वो एक बच्चा खड़ा होता है फूल की दो पंखरियाँ सी देता रहता है जैसे प्रसाद, उसका प्रसाद लिया और आगे बढ़ गया। जैसे मैं आगे बढ़ा आप सब जानते हैं कि कितनी सफाई है वहाँ पे, है जी कोई चीज़ जो है वहाँ पे ऐसे फालतू नज़र नहीं आती। जैसे ही 10 कदम आगे बढ़ा होगा तो सामने दो फूल मुझे वहाँ पे धरती पे गिरे हुए मिले, अलग से टाइप के फूल थे। तो एकदम मुझे स्ट्राइक किया, मैंने कहा बाबा ने मेरी जो है ना चिट्ठी वो है जो उसने मंजूर कर लिया और कहा है ओ जय जी शर्मा तुम अपना एड्रेस लिखो ना लिखो मैं तुम्हें जानता हूँ, और वो मुझे फूलों से उन्होंने ब्लेस किया। तो भाई बात ये है कि ईगोलेस होके आप भगवान से प्रेम करके और भगवान के बतलाए हुए मार्ग पे चलते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो मैं आपको एक ये ईगो वाली जो बात है उसके ऊपर एक कविता सुनाता हूँ, छोटी सी है कविता, वो कविता भी मेरी माता जी ने
80 साल पहले मेरे को सुनाई थी, वो देख लो मुझे अभी तक याद है। वो कविता ऐसे है कि हम लोग मैं करते रहते हैं, है जी, ये ईगो जो है मैं ही नहीं ख़त्म होती, और जब तक इसको ना कोई झटका नहीं लगता ना तब तक ये मैं नहीं ख़त्म होती, चीज लिखते रहते हैं है, भगवान के कार्यों को जो लोग करते हैं उनके अगेंस्ट भी चिट्ठियाँ लिखते हैं, अपनी ईगो इतनी है। तो ये कविता मैं सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया है ये कविता, किसी मुस्लिम सेंट ने लिखी थी, हमारी मदर ने उसको याद किया और वो गाया करते थे तो हमें वो अध्ययन हो गया। वो कविता ऐसे है कि ये एक बकरा जो होता है, बकरा जो है वो मैं करता रहता है। अब उसकी मैं कैसे ख़त्म होती है, तो वो कहते हैं फ़ख्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही इस जहां में हूँ दूसरा कोई नहीं, जब न छोड़ी मैं ही मैं इस माया के जंजाल ने, फेर दी आकर छुरी तंग हो के एक जल्लाद ने, गोश्त हड्डी और चमड़ा जो भी था इस जार में, कुछ पका कुछ फुक गया कुछ बिक गया बाजार में, अब रही आते फकत मैं सुनाने के लिए, ले गया नाकस उसे धुनकी बनाने के लिए। जो रोई पिंजने वाला होता है ना, वो अपने कमान में उसको डालने के लिए वो आंते ले गया, सुखा के उसकी वो कार्ड बनाता है, ले गया नाकस उसे धुनकी बनाने के लिए। कहते हैं वो शीश पर चोटें पड़ी, वो उसका जो गोसा मुदगर होता है ना जिसको वो धुनकता है, शीश पर चोटें पड़ी तो वो घबराने लगी, मैं के बदले तू फिर से सदा आने लगी। साई राम, बी गुड सी गुड नो गुड, साई राम। ओम श्री साई राम। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री जयगोपाल शर्मा जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण हमें देकर अपने अनुभव हम सबके साथ साझा किए, और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बड़ी एकाग्रता से दिव्य अनुभव सुने, क्योंकि इन्हीं अनुभवों को सुनकर ही भगवान पर हमारी आस्था दृढ़ होती है। ओम श्री साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जनासन रक्षक, भक्त जनासन रक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि भजनाशी करा सर्वा प्राण पते, साई सर्वा प्राण पते, आश्रित कल पर दीपा, आश्रित कल पर दीपा, आकर्तांदवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदेव मरियंतयुनि मे, साई मरियंतयुनि मे, नाथ ब्रह्म जगन्नाथा, नाथ ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण।
जय बोलो।